बता दें इंदौर में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख को जान से मारने की धमकी दी गई है। तुक्कोगंज पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर और विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रशासनिक प्रमुख संतोष शर्मा को धमकी मिली है। घर पर पत्र के माध्यम से यह धमकी दी गई है। दरअसल हिंदी और उर्दू में यह पत्र लिखा हुआ है। एक ऑटो रिक्शा से नकाब पहनकर आई महिला ने गार्ड को यह पत्र दिया था। बुर्का पहनकर आई एक महिला ने यह पत्र दिया था और ऑटो दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, और गार्ड देखिए पत्र लेकर जाता हुआ भी दिखाई दे रहा है, और इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। बहरहाल अभी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल किस तरह से रहेगी और क्या तथ्य जांच में सामने आते हैं ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ये पत्र है, देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस पत्र की, जहां उर्दू में और हिंदी में भी लिखा हुआ है। और ये जो पत्र है, एक महिला जो बुर्का या नकाब पहनकर आई थी और गार्ड को पकड़ाकर चली गई। करता हूँ वहाँ मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है और बहुत सारे ऐसे संस्था और बहुत सारे ऐसे गुट वहाँ पर बने हुए हैं जो इस प्रकार की गतिविधि और ऐसे संचालित वो कर रहे हैं और योजना उसके उपरांत से ही बना रहे हैं। और उन्होंने इस प्रकार की जानकारी मुझे वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ का रहा हूँ, मूल निवासी वहीं का हूँ, तो मेरे वहाँ कुछ लोग संपर्क में भी हैं, तो प्रदीप कुमार जो इंटेलिजेंस के हैं उनसे मेरा संपर्क नियमित बना रहता है और उनको मैंने वहाँ की व्यवस्थाएँ बताई भी है कि इस प्रकार की बैठकें वहाँ चल रही है, इस प्रकार की योजनाएँ बना रहे हैं। श्रीलंका से एक महिला भी आई है वहाँ, एक होटल में उनकी उसकी बैठक भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, और वहाँ उसने ऐसी योजना भी बनाई थी, कुछ लोगों ने उसको आइडेंटिफाई भी करा, देखा भी, और ये जानकारी मैं वहाँ पर उनको दे चुका हूँ, लेकिन उसको जानकारी देने के उपरांत भी उसको थोड़ा सा गंभीरता से नहीं ले पाए। और सुरक्षा को लेकर तो विचार है, क्योंकि मेरे घर पर भी घर फोड़ दिया गया, उसके बाद अभी वर्तमान में भी कोई सुरक्षा वाली ऐसी कोई पुख्ता इंतज़ाम मेरे नहीं है और भाई साहब के भी नहीं है, तो वो एक बड़ा विषय है। और रात्रि में भी कल जो है एक महिला आई है, वही श्रीलंका वाली महिला है, क्योंकि गार्ड से उसने कहा कि मैं श्रीलंका से आई हूँ, मेरी फ़्लाइट है, और उर्दू में उसने पूरा एक धमकी भरा पत्र लिखे गई है कि आपको, क्योंकि घर वापसी वाला ही विषय, घर वापसी जो कराई गई है अभी 28 तारीख को, 10 दिन पूर्व भी 30 लोगों की घर वापसी कराई है, उसके उपरांत से इस प्रकार का मामला चल रहा है। और खजराने में ऐसे संस्थाएँ हैं, गुट हैं और मुस्लिम समुदाय के ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की योजना नियमित बना रहे हैं। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, घर पर ही एक महिला ये पत्र देकर गई है, ऑटो से आई थी, क्या कोई आइडेंटिटी उसकी सामने आई है, किसी तरह की कोई जानकारी, कोई लीड? देखिए, पूरे मामले की तुक्कोगंज पुलिस से शिकायत की गई है, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, मामले की छानबीन चल रही है। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें बात कही जा रही है, एक तस्वीर में नजर भी आ रहा है जिसमें गार्ड गेट से पत्र लेकर अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है, और फिर जब वो पत्र लाकर अंदर बीएसपी के जो प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं उन्हें जब वो देते हैं तो उसमें उनके नाम की धमकी लिखी हुई थी, यानी धमकी भरा पत्र रहता है, उसमें हिंदी और उर्दू में धमकी दी गई है और ये लिखा गया हिंदी में कि इसे पढ़ लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, अब तू बचेगा नहीं, और तमाम इन बातों को उसमें उल्लेख किया गया है। अब इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो तुक्कोगंज थाना प्रभारी, तमाम जो डीसीपी बड़े अधिकारी हैं इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो महिला जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा से आई थी, बुर्का पहने हुई थी और खुद को ये बताया था कि वो श्रीलंका से आई हुई है और ये पत्र देने के बाद वो श्रीलंका जा रही है। तो इस बातों को, ये जो बात सामने आई है, इस बातों को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है। आसपास जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन सीसीटीवी को संभाला जा रहा है कि जो ऑटो रिक्शा सीसीटीवी में घर के सामने जो कैमरे लगे हुए उसमें कैद हुई है, वो आगे कहाँ पे गई है, कौन ने उसमें कौन बैठा हुआ था, क्या वो इंदौर की रहने वाली महिला है या बाहर कहीं से आई थी, क्योंकि ये जो पूरा मामला वो घर वापसी से जुड़ा हुआ है। जिन्हें धमकी मिली है वो लगातार खजराना मंदिर में जो घर वापसी हुई है उसमें ये सक्रिय रहे हैं और बड़ी संख्या में पिछले कुछ दिनों के अंदर कई संख्या में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने घर वापसी की है, और इसके बाद एक बड़ी धमकी जो है वो बीएसपी के नेता को मिली है, और जब से बीएसपी के नेता को धमकी मिली उसके बाद से ही प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है और बड़े पदाधिकारी हैं और अलग अलग जहां पे ये बीएसपी के कई कार्यक्रम में सक्रिय रहते हैं, लेकिन धमकी मिलने के बाद में इनका भी रिएक्शन सामने आया। उनका कहना है कोई ऐसी धमकियों से डरते नहीं है, जिसे धमकी देना है वो खुलेआम आके धमकी दे, और साथ में अभी जिन्हें दर्शक इस वक्त कुछ देर पहले सुन रहे थे उनका नाम हरि नारायण है और ये पहले हैदर थे,
सबसे पहले जो घर वापसी की थी उसमें सबसे पहले पहला नाम जो है वो हरिनारायण का है। तो हैदर से हरिनारायण खजराना मंदिर बने थे और घर वापसी की जब शुरुआत हुई थी तो इन्हीं से हुई थी। इनका भी कहना है कि धमकी मिल रही है और जब उन्होंने भी घर वापसी की थी तो उनके घर में भी तोड़फोड़ की गई थी, उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी गई थी और उसके बाद वो अपना घर का जो है वो घर छोड़ चुके हैं, घर का पता बदल चुका है और परिवार के साथ अब दूसरी जगह पर सुरक्षित स्थान पर रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मिथिलेश।